कर्नाटक ने जीता विजय हजारे ट्रॉफी और ये चार बातें हैं दैट हैव कॉट आवर आई. हैशटैग आकाशवाणी. अब यही तो कहानी है, कर्नाटक एक बार फिर जीत गया. हालांकि इनकी टीम में से देखें तो वो जो मैच विनर्स थे वो काफी सारे एक्चुअली जा चुके हैं. रॉबिन उथप्पा कहीं और खेलते हैं. इस बार तो उनका जो सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहा है पिछले अगर आप कई सालों की बात करें, विनय कुमार इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग फॉर कर्नाटक एनी मोर. लेकिन फिर भी वो जीत गए. अब वो जीत गए हैं वो तो खैर अच्छी कहानी. सो वेल डन, दे बीट तमिलनाडु इन द फाइनल. सो वेल डन. देयर वाज अनदर थिंग जो मतलब इट मेड न्यूज की टेस्ट मैच खत्म हुआ रांची में, फटाफट से रविचंद्रन अश्विन और मयंक अग्रवाल दोनों पहुंचे अपनी अपनी टीम्स के लिए खेलने के लिए. तो ये कमिटमेंट देख के अच्छा लगता है कि इफ देयर इज अ डोमेस्टिक ट्रॉफी दैट्स हैपनिंग तो आप जाते हैं, आप अपनी टीम के लिए खेलते हैं. यू ट्राई एंड मेक देम द चैंपियंस. ऑफकोर्स कर्नाटक वहां पे चैंपियन बनी. केएल राहुल का फॉर्म हमेशा अच्छा रहा, सो दैट्स अनदर थम्स अप बिकॉज हमें चाहिए भैया, फॉर्म में चाहिए. विल बी बैटिंग एट 3 अगेंस्ट बांग्लादेश इन द T20Is. लेकिन इस स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं चार बड़ी स्टोरीज की. वो स्टोरी क्या है, सबसे पहली स्टोरी तो ये रही कि भाई साहब ये रूल्स क्या है, और रूल्स अगर थोड़े से बिजार होते हैं तो फिर लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है. और ये हुआ है क्योंकि बारिश की वजह से बहुत मैचेस धुले हैं और टीम बाहर हुई है. लेकिन अब बारिश का रूल ये रहा कि अगर आपका और मेरा, यानी कि मान लीजिए कर्नाटक और पंजाब का, अगर वो मुकाबले जो है वो वॉश आउट हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये देखा जाएगा कि ग्रुप स्टेज में आपने कितनी जीत अर्जित की. अब मजेदार या कहें परेशानी वाली बात यह है कि जो ग्रुप्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, सब ग्रुप्स में एक जितनी टीम्स नहीं है. तो अगर आप अपने सारे ग्रुप के मैचेस जीत जाए, मान लीजिए दूसरी टीम भी अपने ग्रुप में सारे मैचेस जीत के आई है, तो अगर वॉश आउट हो जाएगा तो जिस टीम की ग्रुप में ज्यादा टीम्स थी वो आगे चला जाएगा. मतलब हाउ डज दैट मेक सेंस. सो दैट इज अ ह्यूज बोन ऑफ कंटेंशन. उसके लिए भज्जी ने बोला, यूवी ने बोला, a lot of people actually voiced their opinion ki bhai ye rule bilkul kharab hai to aapko isko badalna hoga. With Sourav Ganguly now at the helm of the affairs, mujhe lag raha hai ye jaldi badla jayega. Dusri ek jo baat thi jo that caught everyone's eye was Yashasvi Jaiswal. Ye ladka khela aur bahut acha khela hai. 17 saal ka bachcha, matlab left hander khelta aur run banata hua aa raha tha. Aisa nahi ki under 19 mein run nahi banaya, aisa nahi ki under 23 mein run nahi banaya. In fact Asia Cup mein man of the tournament rahe wo. Lekin jab aap ये लिस्ट ए क्रिकेट में, दिस इज हिज फर्स्ट सीजन फॉर मुंबई, वहां पर इन्होंने दोहरा शतक जड़ा. और शतक किस टीम के सामने चढ़ा है, ये है वरुण नारायण, राहुल शुक्ला, शहबाज नदीम, यानी कि झारखंड के सामने, जहां पर शुरुआत धीमी थी पर इवेंचुअली गॉट टू अ डबल सेंचुरी और एन इंडिविजुअल डबल सेंचुरी इन 50 ओवर क्रिकेट. तो ये यशस्वी नहीं, जायसवाल जो है ये यशस्वी होने वाला है, ये हम सबको यहाँ कुछ पता चला. इनफैक्ट डू वॉच आउट फॉर हिम, उनका आईपीएल में मुझे लग रहा है बड़ा दाम लगेगा. सो यशस्वी वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एंड सो वॉज संजू सैमसन. अब उन्होंने भी दोहरा शतक जड़ा 50 ओवर की क्रिकेट में. इट वॉज रादर इट हैपन टू बी फर्स्ट लिस्ट 100. इससे पहले उन्होंने कोई शतक ही नहीं चढ़ा था. 28 का उनका वो लॉसअप था एंड ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज कि यार इतना अच्छा खिलाड़ी है, आईपीएल में अच्छा करता है, तो लिस्ट में क्या होता है, वहां क्यों नहीं रन बनाता. यहां पर उन्होंने दोहरा शतक जड़ा, दैट वॉज अगेंस्ट गोवा एंड दैट इन द एंड हैज फेच्ड हिम अ प्लेस इन द इंडिया लाइनअप. तो फिर T20 टीम का वो हिस्सा है, मुझे लग नहीं रहा मैच खेलेंगे, बट देन ही इज बीन रिवॉर्डेड. एक जो पीछे रह गया खिलाड़ी वो है ईशान किशन. तो यहां पर अगर ईशान किशन का विजय हजारे अच्छा रहता तो वो शायद आगे भाग जाते, लेकिन यहां पे रेस में जीत गए. संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ही इज नॉट देयर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथी बात थी जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी शायद उतनी हुई नहीं, वो है वी कौशिक. अब ये वी कौशिक कौन है, ये एक मीडियम पेस बॉलर है, ये कर्नाटक के लिए खेल रहे हैं और ये मैकेनिकल इंजीनियर है. इनका ये फर्स्ट सीजन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ही एक्चुअली वर्क फॉर अमेज़न, तो अमेज़न के लिए वो कंटेंट डेवलपमेंट कर रहे थे, कंटेंट का काम कर रहे थे. और यहाँ पर उनको खेलने का मौका मिला. ही इज टेकन 12 विकेट्स. आई थिंक इट वाज अ सेमीफाइनल जहां पे उनका बेहतरीन रोल रहा था, जो उन्होंने विकेट्स चटकाए उसके चलते आगे की तरफ गई. सो इट्स बेसिकली अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि भैया डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स इवन इफ यू स्लाइटली ओल्ड, एज इज जस्ट अ नंबर. तो वी कौशिक ने ये काम करके बताया. तो ये जो विजय हजारे ट्रॉफी रही जिसके अंदर मैचेस बहुत सारे थे और कुछ रूल्स का मतलब गहमा गहमी भी रही, बट देन कर्नाटक वंस अगेन हैज रेन चैंपियंस. तो वो तो अच्छा काम कर ही रहे हैं. तमिलनाडु बीच इन द फाइनल इज ऑल्सो ए ह्यूज थिंग क्योंकि अपने सारे मैच लीग के वो जीत के पहुंचे थे. राजस्थान में थे उनके मुकाबले, दे हैव बीन वेरी वेरी गुड. चाहे आप बात करें मुरली विजय की या वॉशिंग सुंदर द बैट्समैन, बोलिंग नहीं डाल रहे वैसे, दैट ऑल्सो खट माई, बट देन हाउ मच कैन बी पैक इन टू वन एपिसोड. तो आकाशवाणी के इस एपिसोड को डेडिकेट किया है विजय हजारे के लिए. अब आपको क्या करना है, आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और आपको अपने आपको तैयार करना है कि आकाशवाणी का नया अवतार आने वाला है. इट वॉन्ट बी अ 3-4-5 मिनट, इट विल बी अ लॉन्गर वन. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट की बात करेगा, ये बातें करेगा बहुत सारी. तो फिर टू स्टे ट्यून, लिंक हम डालने वाले हैं यहाँ पे. आ जाओ, आ जाओ.
बुमराह की याद दिला दी इन्होंने। दोनों हाथ बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड और जाके यॉर्कर, वाह वाह छा गई ये लड़की, क्या बात है।